नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बाइक सवार बदमाश ने महिला बैंक मैनेजर पर किया एसिड अटैक, गंभीर रूप से झुलसी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बाइक सवार बदमाश ने महिला बैंक मैनेजर पर एसिड फेंक दिया, इससे बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलस गई। आसपास से लोगों ने बैंक मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बाइक सवार बदमाश ने महिला बैंक मैनेजर पर एसिड से अटैक कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। एसिड अटैक से स्कूटी सवार बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलस गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। लोगों ने बैंक मैनेजर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद चरवा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। घायल सीओ रविकांत, एसएसपी समर बहादुर सिंह, एसपी हेमराज मीना एसओजी टीम के साथ पहुंचे। आरोपी को पकड़ने के एसपी ने तीन टीमों का गठन किया है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है। घटना चरवा कोतवारी के चिल्ला साहबाज गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज में हिम्मतगंज की युवती कौशाम्बी में बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर के पद पर तैनात है। दीक्षा सोनकर स्कूटी से सोमवार को बैंक जा रही थी। इसी बीच चिल्ला साहबाजी के गाँव के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने बैंक मैनेजर पर एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक के बाद बैंक मैनेजर गिर पड़ी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोगों ने बैंक मैनेजर को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बैंक मैनेजर की हालत को नाजुक देख प्रयागराज में हायर हेल्थ सेंटर उसे भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अब तक पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा सकी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एएसपी हेमराज मीना ने कहा कि सोमवार सुबह करीब 11:15 पर सूचना मिली थी कि एक युवती बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, उस पर किसी बाइक सवार ने एसिड अटैक कर दिया है। युवती को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए तीन टीमें लगाई गई है। जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बाइक सवार बदमाश ने महिला बैंक मैनेजर पर एसिड फेंक दिया, इससे बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास से लोगों ने बैंक मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बाइक सवार बदमाश ने महिला बैंक मैनेजर पर एसिड से अटैक कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। एसिड अटैक से स्कूटी सवार बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलस गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। लोगों ने बैंक मैनेजर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद चरवा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। चायल सीओ श्याम कांत, एएसपी समर बहादुर सिंह, एसपी हेमराज मीना एसओजी टीम के साथ पहुंचे। आरोपी को पकड़ने की एसपी ने तीन टीमों का गठन किया है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है। घटना चरवा कोतवाली के चिल्ला साहबाजी गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के हिम्मतगंज की युवती कौशाम्बी में बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर के पद पर तैनात है। दीक्षा सोनकर स्कूटी से सोमवार को बैंक जा रही थी। इसी बीच चिल्ला साहबाजी के गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने बैंक मैनेजर पर एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक के बाद बैंक मैनेजर गिर पड़ी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोगों ने बैंक मैनेजर को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बैंक मैनेजर की हालत को नाजुक देख प्रयागराज के हायर हेल्थ सेंटर भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अब तक पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा सकी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एसपी हेमराज मीना ने कहा कि सोमवार सुबह करीब 11:15 सूचना मिली थी कि एक युवती बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, उस पर किसी बाइक सवार ने। एसपी हेमराज मीना ने कहा कि सोमवार सुबह करीब 11:15 सूचना मिली थी कि एक युवती बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, उस पर किसी बाइक सवार ने एसिड अटैक कर दिया है। युवती को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर केस दर्ज किया जा रहा है। जांच के लिए तीन टीमें लगाई गई है। जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएगी उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।